वेल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है क्या? बताइए बेटा। हेलो, यस, बताइए बेटा, मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा सीए फाइनल अमेंडमेंट का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए जो अमेंडमेंट्स हुई है फ्रॉम यहाँ 1 नवंबर टू 30 अप्रैल 2022 तक की सारी अमेंडमेंट्स हम कवर करने वाले हैं। एक अच्छी बात यह है कि नवंबर 22 के लिए कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। मैंने अमेंडमेंट नोट्स टेलीग्राम लिंक में शेयर किया है और ये टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन करनी है तो उसमें आपको ये अमेंडमेंट नोट्स पीडीएफ कॉपी उसकी मिल जाएगी। साथ साथ में आज मैं ये vsmartacademy.com/vishal sir, आई रिपीट, vsmartacademy.com/vishal sir पे भी ये अमेंडमेंट नोट्स अपडेट कर दूंगा। एंड किसी रीज़न के वजह से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए तो www.vsmartacademy.com/vishal sir पे जाके आप वहाँ से भी अमेंडमेंट नोट्स आज दोपहर तक वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्त? हाँ, सर, एक शायरी के साथ स्टार्ट हो जाए बेटा। अभी अभी तो उठा हूँ, अभी उठते ही कहाँ शायरी, ठीक है? पर चलिए, आने वाली नवंबर 22 एग्ज़ाम, इतना ही कहना चाहूँगा, ये आपकी होगी। पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ ये 3 साढ़े 3 महीने अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, आपका स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का, IDT का, तो उसका वीडियो लिंक आज का सेशन होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में अटैच कर दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप ज़रूर देखिएगा, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में एक बहुत अच्छा प्लान बनाने के लिए। दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन आपका होना जरूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूस ये मैसेजेस दो कि यस, आने वाली एग्जाम मेरी है, मैं इस एग्जाम में CA बनकर रहूँगा और IDT में इस बार 80 पार, उससे नीचे हमें नहीं सोचना है। जो भी आपका रिजल्ट आया है अब सब भूल जाओ, क्योंकि जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो होना है वो हमारे हाथ में है, हम उसको बदल सकते हैं। जैसे मैं हर बार क्लास में कहता हूँ, एक लंबी सांस लेके कहो, जो भी हुआ शायद अच्छा ही हुआ होगा और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आए हम कुछ अच्छा करना है, ठीक है? स्टार्ट करें। और एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर, इंटर के लिए अमेंडमेंट्स कब आएगी? तो इंटर के लिए अमेंडमेंट्स अराउंड फर्स्ट वीक के आस मतलब 1 अगस्त के आसपास आ जाएगी। तो एक बार ये लेक्चर्स ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में इंटर के अमेंडमेंट्स हम कवर करेंगे, जिसका हम स्पेशल सेशन लेंगे। मैं जिसके अपडेट हम मेरे चैनल पे थिंक GST, थिंक विशाल सर और वी स्मार्ट एकेडमी, इन दोनों चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे बिना लेट किए अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? चलो अब ये देखिएगा, अमेंडमेंट्स की नोट्स मैंने शेयर कर दिए, पीडीएफ कॉपी, और चैप्टर वाइज मैंने इंडेक्स भी दिया हुआ है अमेंडमेंट से रिलेटेड। अब पहले ही कह दूं, अमेंडमेंट्स की नोट्स होगी 40-50 पेजेस की, लेकिन इनको मैं, इतनी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है कि यहाँ अगर मैं कंसाइज कर दूं तो मुश्किल से एक समरी बना लूं तो मुश्किल से 3 से 4 पेजेस के अमेंडमेंट्स हैं। और समरी भी मैं बना के दूंगा, अमेंडमेंट्स नोट्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। समरी भी मैं आपको प्रोबेबली सितंबर में इसकी पूरी समरी आपको बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है? पर अभी आप अमेंडमेंट्स को कंप्लीट कर लेना। चलिए, हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ये चैप्टर पे फर्स्ट अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। आ जाइए बेटा, सेक्शन 7, ये तो आपको याद होगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसमें क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ओके, ये सब कुछ डिस्कशन हमने किया था। चार्ट याद दिला दूं, सेक्शन 9 आपको याद होगा, तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन था, लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी में चार्ज किसके ऊपर है, वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है और रेट क्या है, ये चार्ट को एक्सटेंड करता है। चार्ज चार्ज है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई पे, और पूरा सप्लाई का चार्ट डेफिनेटली आपको याद होगा, सप्लाई का चार्ट सेक्शन 7 में था। सेक्शन 7 में 1 और सेक्शन 7 2। सेक्शन 7 1 में विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन, और विदाउट कंसिडरेशन में सेक्शन 7 1 सी, और विथ कंसिडरेशन में हमने देखा था 7 1 ए और 7 1 बी, 7 1 ए और 7 1 बी। नाउ ये 7 1 ए जो है यहाँ पे, ये 7 1 ए के नीचे 7 1 ए ए ऐड हो गया है, और ये 7 1 ए ए हमें डिस्कस करना है सप्लाई इंक्लूड्स में, यानी बी वैसा ही है, सेक्शन 7 1 सी वैसा ही है विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें हमने यहाँ पे शेड्यूल 1 देखा था। तो जहाँ तक देखा जाए, सेक्शन 7 1 ए के ए से रिलेटेड हम बात करेंगे। थोड़ा मैं 2 मिनट में अगर आपको रिवाइज कर दूँ, तो 7 1 ए सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7 1 बी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड था, 7 1 सी विदाउट कंसिडरेशन वाली एक्टिविटीज थी, और 7 2 जो है कुछ एक्टिविटीज सप्लाई नहीं बोली जाएगी, उस पर हमने बात की थी। और यहाँ 7 1 ए ए जो यहाँ ऐड हुआ है, इस बार की ये अमेंडमेंट है, इसको आप राउंड कर सकते हो, इस बार की ये अमेंडमेंट्स है। अब 7 1 ए ए क्या कहता है, और खास बात इसकी बता दूँ, ये फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल की गई है 1 जुलाई, और ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लीकेबल करवाई गई है, मतलब 1 जुलाई 2017 से ये मतलब ये माना गया है कि ये पहले से ही अप्लीकेबल होगी, यानी इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो गए तो वो डिस्प्यूट के हिसाब से ये क्लॉज ए ही उसको सॉल्व करेगा, यानी ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स में लाया गया और 1 जुलाई 2017 से ही लागू करवा दिया गया। नाउ ये अमेंडमेंट क्या है, चलिए मैं पहले रीड करता हूँ फिर इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। यहाँ पे एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स, ध्यान से पढ़िएगा, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब सप्लाई इंक्लूड्स,
सप्लाई इंक्लूड्स में क्लॉज ए हर वो एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो पर्सन और उसके मेंबर के बीच में हुई अदर देन इंडिविजुअल, वो एक्टिविटी ट्रांजेक्शन कुछ कैश पे हुआ या डेफर्ड पेमेंट में हुआ या कोई अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे हुआ, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी साथ में उन्होंने ऐड किया है। ये एक्सप्लेनेशन क्या ऐड किया है? फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट डिक्री ऑर्डर और एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, हाईलाइट करना, shall be deemed to be two separate person and supply of activity and transaction interstate shall be deemed to take place from one person to another person. Now, वैसे ये बात तो पहले से clarified थी, पर circular के through clarified था, schedule 2 के through clarified था, direct उसका यहाँ पे reference as a supply नहीं दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने स्पेशली इंक्लूड कर दी एक्टिविटी और अब सप्लाई के स्कोप में लाया गया। अब आप कहोगे सर नहीं समझा, ये क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेंबर और उसकी एक्टिविटी, वो कहना क्या चाहते हैं? चलिए मैं आपको ये बताता हूँ वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे समझ लो कोई क्लब है, एग्जाम्पल लेते हैं क्लब है या एसोसिएशन है, क्लब है या एसोसिएशन है जो बहुत सारे मेंबर्स से बना हुआ है, क्लब या एसोसिएशन जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है यहां पे, और ये जो ये क्लब और ये एसोसिएशन और मेंबर, अब क्या था कि ये क्लब और एसोसिएशन ये पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ओके, जीएसटी में पर्सन की डेफिनेशन बड़ी डेफिनेशन है। ओके, एवरीथिंग इज कवर्ड, और आखिरी लाइन तो ये है एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। तो ये क्लब और एसोसिएशन और ये उनके मेंबर्स हैं। तो क्या हुआ, कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर ने ये कहा था कि क्लब और उसके मेंबर ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव ही माने जाएंगे एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने जाएंगे। अब ये म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे मतलब ये अलग डिफरेंट पर्सन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने डिसीजंस थे, और अगर वो डिफरेंट पर्सन नहीं है इसलिए कोई भी सर्विस क्लब उनको देता है या मेंबर क्लब को देते हैं, ओके, तो कोई भी सर्विस क्लब मेंबर को दे या वाइस वर्सा मेंबर क्लब को दे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये सप्लाई के स्कोप में आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं ये अमेंडमेंट के पहले का लॉ आपको अगर बताऊं तो पहले भी जीएसटी आता था, ओके, पर उसके ऊपर डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, ओके, और ये जीएसटी आता था मतलब क्या, इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन था, एक क्लैरिफिकेशन शायद आपको याद आना चाहिए रिगार्डिंग टू कैश कॉल, ओके, कैश कॉल या मेंबर क्लब एसोसिएशन मेंबर को सर्विस दे रहा है या सर मेंबर क्लब और एसोसिएशन को सर्विस दे रहा है या कैश कॉल दे रहा है, तो इस पर क्लैरिफिकेशन था सीबीआईसी का कि हाँ वो सर्विस माना जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा। उसके बाद में एक और रेफरेंस इससे रिलेटेड था और वो था शेड्यूल टू, शेड्यूल टू में पैरा सेवन था और पैरा सेवन ये क्लियरली कहता था कि अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और उसके मेंबर को अगर कोई गुड्स सप्लाई किया तो वो केस में वो सप्लाई गुड्स माना जाएगा। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन और ये शेड्यूल टू, ओके, मतलब गवर्नमेंट तो प्रिज्यूम कर चुकी थी कि भाई इसमें क्या कन्फ्यूजन है, इसमें कोई तो कन्फ्यूजन हो नहीं सकता, भाई अगर क्लब और एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सप्लाई करे मे बी गुड्स का सप्लाई हो या सर्विस का सप्लाई हो, या मेंबर्स क्लब को सप्लाई करे मे बी गुड्स का सप्लाई हो या सर्विस का सप्लाई हो, वो तो सप्लाई माना जाएगा, और उसी बेस पे क्लैरिफिकेशन दिया गया, उसी बेस पे पैरा सेवन बनाया गया। लेकिन भाई हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े काउंसिलर्स, उन्होंने इसके रिपिटेशन डाले सुप्रीम कोर्ट हाई बेंच के पास और कहा कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट के ही पहले पुराने डिसीजंस है, हाई कोर्ट के डिसीजंस है कि क्लब एसोसिएशन उसके मेंबर्स ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन है तो वो सप्लाई कैसे माना जाएगा।
फिर से गड़बड़ चालू हो गई, यानी सेटल सिचुएशन थी, सप्लाई बोला जाएगा, उसको अनसेटल करना शुरू कर दिया, ओके, उसकी केसेस फाइल करना शुरू कर दिया। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा, आता माझी सटक ली, गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, ओके, खत्म ही करते आ रही है इशू को। और यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, ओके, यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे गवर्नमेंट ने जो है ये केस में क्लॉज ए ही डाल दिया। और क्लॉज ए में यहां उन्होंने क्या कह दिया, देखो, सप्लाई इंक्लूड्स, अब मेरे साथ ध्यान से पढ़ो, सप्लाई इंक्लूड्स कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजेक्शन, फिर वो गुड्स का हो या सर्विस का हो या कोई भी ट्रांजेक्शन हो, बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इसको बादल करो, अदर देन इंडिविजुअल, बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मतलब क्या, मतलब इंडिविजुअल छोड़ के बाकी कोई भी पर्सन हो, जैसे सोसाइटी हो, क्लब हो, एसोसिएशन हो, ट्रस्ट हो, वॉट एवर इज द नेम, मतलब ये कोई क्लब एसोसिएशन को नहीं है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब एसोसिएशन, ट्रस्ट वगैरह, कोई एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को छोड़ के, जिसमें मेंबर्स होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी ऐसी बॉडी जो मेंबर्स से बनी है, जिस जो कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है, तो बाय अ पर्सन टू इट्स मेंबर और टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो सारी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन सप्लाई मानी जाएगी। ओके, ये क्लॉज ए उन्होंने लाया कि सारी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा। और ओके, यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेनेशन डाल दिया, और ये एक्सप्लेनेशन में कहा कि भाई कोई भी जजमेंट आया हो, ओके, कोई भी जजमेंट आया हो, कोई भी डिक्री हो, ऑर्डर हो, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी कुछ भी हो, ओके, कोई भी जजमेंट आया हो, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं। और उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि पर्सन और उसके मेंबर, यानी वो पर्सन यानी क्लब एसोसिएशन वगैरह और उसके मेंबर, ये डीम टू बी सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। ओके, चाहे कोई कोई पहले पुराना कितना भी जजमेंट हो, डीम टू बी सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। और अगर ये सेपरेट पर्सन माने जा रहे हैं, तो या इन दोनों में हुआ कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा। इवन ओके, डीम मतलब डीडीपी का स्टेटस दे दिया, और डीडीपी का स्टेटस दे दिया, डीम डिस्टिंग पर्सन का स्टेटस यहाँ पे दिया है। ओके, तो इन दोनों में अगर ट्रांजेक्शन होता है फॉर कैश पेमेंट और कंसिडरेशन, तो वो केस में सप्लाई माना जाएगा। तो सर, अगर इन दोनों में कोई फ्री एक्टिविटी होती है, तो इन दोनों में अगर फ्री एक्टिविटी होती है, तो मेरे हिसाब से सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेशली कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे बोला है। मतलब क्या कि अगर मेंबर और पर्सन के बीच में फ्री एक्टिविटी होती है, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अभी नोट्स होगी, तो शेड्यूल वन, ओके, शेड्यूल वन, उसके बाद में उसमें पैरा टू देखना, पैरा टू में यस, डीम सप्लाई है, लेकिन वो डीम सप्लाई बिटवीन डीडीपी ऑफ सेक्शन 25, सेक्शन 25(4) या 25(5) में अगर आप डीम डिस्टिंग पर्सन होगे, तो ही स्टॉक ट्रांसफर या फ्री सर्विस सप्लाई मानी जाएगी। ये जो डीडीपी है, मतलब ये डीम डिस्टिंग पर्सन माना जा रहा है, ये सेक्शन 25 के थ्रू नहीं है। ये डीडीपी जो माना जा रहा है, ये एक्सप्लेनेशन में, और ये एक्सप्लेनेशन इस क्लॉज का है। मतलब क्या, अगर आपका ट्रांजेक्शन कैश पे हुआ होगा, डेफर्ड पेमेंट या वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे हुआ होगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो सप्लाई माना जाएगा और अकॉर्डिंगली सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये अमेंडमेंट हुआ, क्लॉज ए लाया गया। ओके, समझ में आया बेटा, यस और नो बोलिए फटाफट। समझ में आया क्या? बोलो फटाफट। यस बेटा, रिवीजन लेक्चर आएगा ना, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर मिड ऑफ फेब में आएंगे, सॉरी मिड ऑफ अगस्त में आएंगे। ये लेक्चर तो अभी 10 बजे तक चलेगा।
तो मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूड कुछ इस तरह से होगा कि यहां अगर क्लब ने अपने मेंबर को कोई भी सप्लाई किया गुड्स और सर्विस का तो उस पर जीएसटी आएगा, या मेंबर ने कोई भी सप्लाई किया क्लब और एसोसिएशन को, सोसाइटी ने मेंबर को दिया कोई भी सर्विस, या मेंबर ने सोसाइटी को सर्विस दिया कोई भी या गुड सप्लाई किया तो वो उस पर जीएसटी आएगा। और यहाँ जहाँ तक देखा जाए वो कैश डिफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे होना जरूरी है, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे होना जरूरी है। कुछ नहीं, ये पहले भी सिचुएशन क्लियर थी बेटा, पहले भी ये उस पर क्लैरिफिकेशन थे, शेड्यूल टू पैरा 7 थे। बस अब सिंपल उन्होंने क्या कह दिया कि कोई भी इंडिया का पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, फिर वो क्लब हो, एसोसिएशन हो, ट्रस्ट हो वगैरह, और वो अपने मेंबर को कोई भी सप्लाई करेगा फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या मेंबर उसको सप्लाई करेंगे तो उस पर जीएसटी आएगा। ठीक है, उस पर जीएसटी आएगा। अब उन्होंने ऑथेंटिकेटेड क्लॉज AA सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। तो बेटा जो भी मेरे से कनेक्टेड है प्लीज रिएक्ट, प्लीज रिएक्ट। अगर मैं पूछ रहा हूं तो आंसर दीजिएगा कि यस अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलो एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया है। पुणे क्लब सप्लाइज फूड एंड ब्यूरेजेस टू इट्स मेंबर एंड नॉन मेंबर, इट चार्जेस जीएसटी ओनली ऑन द फूड एंड ब्यूरेजेस सप्लाइड टू नॉन मेंबर। ठीक है, वेयर नो जीएसटी इज चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू इट्स मेंबर, ओके एक एक करेक्शन इसमें करना, वेयर GST is also charged on supply of food or beverages, no निकाल देना वहां से, GST is also charged, नहीं सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट, बराबर है, GST is also charged on supply of food or beverages to its member, whether the act of Pune club by charging GST on food or beverages supplied to its member is correct. देखो पुणे क्लब एसोसिएशन मेंबर और नॉन मेंबर को सर्विस दे रहा है, नॉन मेंबर को तो चार्ज कर रहा है, मेंबर को भी चार्ज कर रहा है। ओके, चार्ज फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मेंबर को भी चार्ज कर रहा है, तो वो सिचुएशन में उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। तो सेक्शन 7(1)(AA) एड हुआ, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएशन वैल्यूएबल कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। तो यहां पे वेदर एक्ट ऑफ पुणे क्लब बाय चार्जिंग जीएसटी ऑन फूड और बियर सप्लाइड टू इट्स मेंबर इज करेक्ट, यहां एस कर देना, एज ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू इट्स मेंबर, देयरफॉर फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी, हेंस सप्लाई ऑफ फूड और ब्यूरेजेस बाय पुणे क्लब टू इट्स मेंबर इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी एंड टैक्स शैल बी कलेक्टेड ऑन द सेम। मतलब यहां पे फॉर कंसिडरेशन है तो उस पर जीएसटी आएगा। एक्चुअली थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन भी सही था,
कि अगर यहाँ पे क्या चार्जिंग जीएसटी अगर वो फ्री होगा, यानी पहले वाला क्वेश्चन भी सही था, अगर वो फ्री होगा तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा क्या? वो सिचुएशन में नहीं आएगा, क्योंकि फ्री सप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। क्लब और अपने मेंबर को जो सप्लाई किया वो जीएसटी तभी आएगा अगर वो फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिड्रेशन पे होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैंने थोड़ा उसको चेंज कर दिया है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। ये सिचुएशन में अगर वो अपने मेंबर को चार्ज कर रहा है, अगर वो अपने मेंबर को चार्ज कर रहा है तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा, उसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर वो चार्ज नहीं कर रहा है तो फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा। ख्याल रहे, ये डीम डिस्टिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 25 को ही अप्लीकेबल है, जब तुम सेपरेटली रजिस्टर्ड हो। ये जो एक्सप्लेनेशन है कि वो दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन क्लॉज ए से रिलेटेड है, और क्लॉज ए में वो सप्लाई तभी माना जाएगा जब वो कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक अमेंडमेंट हुई, वही अमेंडमेंट यहां पे ये हुई कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेस। तो इसमें देखो, यहां पे पैरा 7 आपके नोट्स में होगा तो वह देख लेना। पैरा 7 जो था, पैरा 7 ये कहता था, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 पैरा 7 यहां, शेड्यूल 2 तो आपके नोट्स में शेड्यूल 2 पैरा 7 देखिएगा। और शेड्यूल 2 पैरा 7 जो है यहां पे उन्होंने रिमूव कर दिया है। अब ये जरूरत भी नहीं है इसकी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई गुड सप्लाई करता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। पर अब इस पैरा की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्लॉज ए उन्होंने लाया है। पुराने सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन थे कि नहीं, मेंबर और क्लब और एसोसिएशन ये सेपरेट नहीं माने जाएंगे, अब उसका जीएसटी लॉ के लिए कोई रिलेवेंस नहीं बचा। और उन्होंने अब क्लियरली कह दिया है कि कोई भी इंडिया का पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हो, अपने मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सप्लाई करता है, मे बी गुड्स और सर्विस, या मेंबर और वाइस वर्सा, तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई माने जाएंगे और वो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। पर ये सप्लाई तभी माने जाएंगे, आई रिपीट, ये सप्लाई तभी माने जाएंगे जब ये एक्टिविटी कोई कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे होगी। कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे होगी। तो अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ ये पैरा 7 ऑफ शेड्यूल 2 आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं बचा क्लॉज ए आने के बाद। चलिए, तो सप्लाई ये चैप्टर में बस इतनी ही अमेंडमेंट्स थी। दो छोटी सी क्लॉज ए आया गया और पैरा 7 हटाया गया। इससे ज्यादा सप्लाई ये चैप्टर में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यस और नो? ठीक है। हाँ बेटा, वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने थोड़ा अभी अमेंडमेंट में चेंज, मतलब डिस्कशन लेते वक्त थोड़ा चेंज किया कि अगर कंसिडरेशन है तो ही सप्लाई, कंसिडरेशन नहीं है, फ्री है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, स्पेशली जब हम बात करें मेंबर और उसके पर्सन के बीच में। क्यों? क्योंकि ये जो सेपरेट पर्सन माना गया ये सेक्शन 25 से नहीं, ये एक्सप्लेनेशन से है। और अगर ये एक्सप्लेनेशन से है तो ये जो है कैश होगा, डिफर्ड पेमेंट होगा या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। चलो, डन। ओके, यस और नो? तो ये चैप्टर का अमेंडमेंट हमारा यहां खत्म होता है। नेक्स्ट बेटा, हम अमेंडमेंट्स देखेंगे रिगार्डिंग टू रिवर्स चार्ज एंड इसयू। अमेंडमेंट जो है सेक्शन 9(5) में हुई है। 9(4) में कोई अमेंडमेंट्स नहीं, कोई उन्होंने एंट्री नहीं ऐड नहीं की है। 9(5) में अमेंडमेंट्स की है।
हम बात करेंगे इस्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन भी आया है और वो क्लैरिफिकेशन हम आगे देखेंगे ओके, जब मैं पेमेंट ऑफ टैक्स ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। नाउ द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ध्यान से देखिएगा, द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ विच शैल बी पेड बाय ईसीओ इफ सच सर्विस आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजन शैल बी अप्लाई। मतलब क्या, आपको याद होगा कि क्या आपकी सर्विस है, वो होटल्स जो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है और बहुत सारी हाउस कीपिंग सर्विसेस है, अगर ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई होती है तो वो केस में ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स 100%। ये कुछ नोटिफाइड सर्विसेस है ओके, जो 9(5) में नोटिफाइड है, या ईसीओ टैक्स देगा या पर्सन रिप्रेजेंटिंग ईसीओ टैक्स देगा। अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ईसीओ को कोई पर्सन इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अगर ईसीओ बाहर का है, और इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी दिए हैं ओके। तो अब यहां हमने तीन सर्विसेज देखी थी, आपको याद होगा तो कौन सी सर्विसेज देखी थी हमने यहां पे तीन, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कैब एक्सेट्रा। अगर कैब की सर्विस ईसीओ के थ्रू दिया जाए तो वो केस में लायबिलिटी ईसीओ की आएगी, आई रिपीट, वो केस में लायबिलिटी ईसीओ की आएगी, ये हमने 9(5) के ईसीओ में देखा था। एक था कि होटल इन गेस्ट हाउस लॉजिंग एक्सेट्रा जो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हाँ जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है वो केस में ईसीओ नहीं होगा, लेकिन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा तो ईसीओ पे करेगा, जैसे ओला वगैरह और सॉरी ओयो होटल्स वगैरह। नेक्स्ट हमने देखा था हाउस कीपिंग सर्विसेज रिलेटेड जो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए तो वो केस में ईसीओ टैक्स पे करेगा। अब अमेंडमेंट्स कहाँ हुई है, अमेंडमेंट बेटा बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, वो है कि अब ये जो कैब वाला है इसका स्कोप बढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी जो पहले भी था, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल, मतलब उन्होंने यहां पे स्कोप बढ़ाया ओमनी बस का, और कोई भी मोटर व्हीकल हो, मतलब आज इंडिया में वो टैक्सी हो, कैब हो, मोटरसाइकिल हो, ओमनी बस हो, या इंडिया कोई भी मोटर व्हीकल हो, यह अमेंडमेंट है, अगर उसकी बुकिंग ईसीओ के थ्रू होती है, आई रिपीट, उसकी बुकिंग, इवन आप प्राइवेट ट्रेवल ले लो और प्राइवेट ट्रेवल्स की बुकिंग ईसीओ के थ्रू होती है तो उसका टैक्स ईसीओ ही पे करेगा। अ स्कोप इज सब्सटेंशियली वाइडन्ड बिकॉज ऑफ द वर्ड एनी अदर मोटर व्हीकल। तो भाई अमेंडमेंट क्या हुई है, आपके बुक में आपको क्या चेंज कर देना है, तो आपके बुक में आपको ये चेंज करना है कि आपको ये ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल ये दो वर्ड्स ऐड कर देने हैं, और ये दो वर्ड्स ऐड करने के बाद ओके इसको बढ़ा देना है। तो आज यहाँ पे हाँ ख्याल रहे हम, मैंने क्या पढ़ाया था, जहाँ तक बात मोटर व्हीकल की है तो अब ये सिर्फ कैब नहीं रहा, कैब हो या फिर ओमनीबस हो या फिर कोई भी मोटर व्हीकल हो, और ये अगर किसके थ्रू जा रहे हैं, ईसीओ के थ्रू जा रहे हैं, तो इसका 100% टैक्स ईसीओ देगा, फिर ये रजिस्टर्ड हो या ना हो, नॉट रजिस्टर्ड हो ओके। जैसे क्या है, मैं आपको होटल वाला बता दूं, होटल वाले के केस में, होटल इन गेस्ट हाउस के केस में, अगर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड होगा होटल इन गेस्ट हाउस तो वो सिचुएशन में टैक्स कौन देगा, वो सिचुएशन में टैक्स ईसीओ देगा। पर अगर होटल रजिस्टर्ड है तो वो होटल रजिस्टर्ड है, ध्यान सुनना, होटल अगर रजिस्टर्ड है तो वो सिचुएशन में ओके टैक्स होटल वाला ही देगा या लायबल टू रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट एंट्री थी यहाँ पे हाउसकीपिंग एक्सेट्रा, जिसमें रजिस्ट्रेशन बेस था, लेकिन पहला वाला जो एंट्री है ये रजिस्ट्रेशन बेस नहीं है ओके, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, जब भी वो कोई सर्विस ईसीओ के थ्रू देगा तो उसका टैक्स ईसीओ ही देगा। तो अब बस यहाँ पे स्कोप जो है ओके, यहाँ पे जो है स्कोप इन्होंने मोटर व्हीकल और ओमनी बस इसके लिए बढ़ा दिया है। चलो यहाँ पे ये हमने देखा रिगार्डिंग टू क्लॉज ए,
ये जो अमेंडमेंट हुई है, नेक्स्ट बेटा क्लॉज डी, क्लॉज डी एक और ऐड किया है, मतलब पहले से तो जो था तीन सर्विसेज तो पहले से थी, ये क्लॉज डी नहीं, मैंने नाम दिया है डी, तीन तो पहले से थी बाय नोटिफिकेशन। ए जो था कैब वाला, जिसमें उन्होंने इसको बढ़ाया ओमनी बस, और ओके जिन्होंने इसको ओमनी बस, और दूसरा क्या यहाँ पे कोई भी मोटर व्हीकल। बी तो ओके, जहां तक बी की बात है, लॉजिंग सर्विस, आपकी लॉजिंग सर्विस होगी, और लॉजिंग सर्विस ये जो है होटल इन गेस्ट हाउस में होगी एक्सेट्रा। सी जो है हाउसकीपिंग सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, और ये जो बी एंड सी है ये रजिस्ट्रेशन के बेस पर है, वेदर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, उसके बेस पे इस पे लायबिलिटी आएगी। अब जो उन्होंने एक और ऐड किया है डी, इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये जो डी ऐड किया है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्या ऐड किया देखो, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। भाई मैं तो बहुत दिन से कह रहा था रेस्टोरेंट क्यों नहीं आ रहे, भाई ये तो आज तो रेस्टोरेंट स्विगी ओके जोमैटो और दुनिया भर के इसी यूज कर रहे हैं, पर रेस्टोरेंट नहीं था, होटल में लॉजिंग थी, लॉजिंग पहले से थी ओके मतलब ओयो के थ्रू होटल बुक करते हो तो ओयो पे लायबिलिटी थी, लॉजिंग वो भी स्पेशली फॉर नॉन रजिस्टर्ड वालों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए नहीं था, एट लास्ट ऐड कर दिया गया। और सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ये अंडरलाइन करना, अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट इटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड इन अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, लोकेटेड इन अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस ओके। एक बहुत पुरानी मूवी थी, पता नहीं आपको याद आता कि नहीं आता है, एक गोविंदा की मूवी थी, गोविंदा की मूवी में उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था ओके, वो अपना रेस्टोरेंट चला रहा था, और उसके आगे ओके कादर खान ने एक बड़ा फाइव स्टार होटल बना दिया, फाइव स्टार होटल बना दिया ठीक है। अब ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे डोसा ओके भूख तो नहीं लगी ना ओके, यहाँ डोसा वड़ा पाव वगैरह सब मिल रहा, और एक फाइव स्टार होटल, फाइव स्टार होटल में भी एक रेस्टोरेंट था, और ये जो फाइव स्टार होटल है ओके इसमें जो रूम रेंट्स होती थी ओके, ये रूम रेंट जनरली यहाँ पे 7,500 के ऊपर ही पर डे रेंट होता था, रूम रेंट जो भी है। अब ये फाइव ओके ये जो रेस्ट है ओके यहाँ पे फाइव स्टार होटल में बड़ा होटल था। अब समझ लो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, स्विगी ओके स्विगी, ये है इसीओ, ध्यान सुनना ये है इसीओ। अब ये जो स्विगी इसीओ है, अब ये भी स्विगी के थ्रू कस्टमर को एंटरटेन कर रहा है, और ये रेस्टो भी स्विगी के थ्रू कस्टमर को एंटरटेन कर रहा है, और दो कस्टमर है, कस्टमर ए और कस्टमर बी। तो अब वो क्या कहते हैं, इंडिया का कोई भी रेस्टोरेंट, फिर वो चाय की टपरी क्यों ना हो ओके, या इंडिया का कोई भी रेस्टोरेंट अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा फूड और ब्यूरेजेस और वॉट एवर इट में भी ओके, वो सिचुएशन में ईसीओ लायबल हो जाएगा, यानी लायबिलिटी ईसीओ पे आएगी, लायबिलिटी ईसीओ पे आ जाएगी 100% लायबिलिटी, और टैक्स ईसीओ पे करेगा, डन। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में होगा, इटिंग जॉइंट्स या वॉट एवर इट में भी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में होगा, तो वो केस में यहां 9(5) अप्लाई नहीं होगा, इसका टैक्स इश्यू नहीं, इसका जीएसटी रेस्टोरेंट ही देगा, इवन दो वो इश्यू के थ्रू सप्लाई कर रहा है, इवन दो वो इश्यू के थ्रू सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसका टैक्स जो है वो रेस्टोरेंट ही देगा, इसीओ नहीं देगा। हाँ उसमें टीसीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल हो सकता है, टीसीएस कट सकता है, वो हम टीसीएस का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, लेकिन जहां तक देखा जाए तो रेस्टोरेंट जो है टैक्स देगा। मतलब क्या, वो बड़ा सिंपल एंट्री है, यहां समझ लो, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय दैट रेस्टोरेंट और इटिंग जॉइंट्स लोकेटेड इन अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो उन्होंने दिया है
स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन, वो प्रीमाइसेस जहां अकोमोडेशन फैसिलिटी है, हैविंग डिक्लेयर टैरिफ ऑफ एनी यूनिट, मतलब उसमें 100 रूम हो गए पर उसमें की एक भी रूम, एनी यूनिट एक भी रूम का अकोमोडेशन अबव 7500 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट होगा। मतलब आपके होटल में कोई ऐसी रूम है, आई रिपीट, आपके होटल में कोई ऐसी रूम है जिसमें जिसका रेंट पर डे 7500 से ज्यादा है, आई रिपीट 7500 से ज्यादा है पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट, तो वो सिचुएशन में ये अबो 7500 होना जरूरी है। सर ये इक्विवेलेंट का मतलब, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि 7500 कैश या कैश इक्विवेलेंट अदर कंसिडरेशन, लेकिन अमाउंट उसकी 7500 से ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी वाउचर्स होते हैं भाई, कैश नहीं वाउचर होते हैं, तो वाउचर की भी वैल्यू 7500 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके होटल में ऐसी अकोमोडेशन है और उस होटल का रेस्टोरेंट होगा तो ईसीओ टैक्स नहीं देगा, वो केस में टैक्स जो है वो रेस्टोरेंट ही देगा। ईसीओ वो केस में टीसीएस काट सकता है, लेकिन यहां पे ये छोड़ के बाकी सारे रेस्टोरेंट जब जब भी ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेंगे तो वो सिचुएशन में यहां ईसीओ ही लायबल रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर वो जो हमारी कंडीशन थी कि रेस्टोरेंट अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, तो बेटा रेस्टोरेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या ना हो अब उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स लाइक अ कैब सर्विस, अब उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेस्टोरेंट वेदर और नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो वेदर और नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो या ना हो, इसका टैक्स कौन पे करेगा? इसका टैक्स ईसीओ पे करेगा, ईसीओ पे करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो लायबल टू रजिस्टर्ड हो या नॉट हो। यानी अब देखो सी दिस आयरनी, अगर ओनली रेस्टोरेंट है, फूड ब्यूरेजेस है, व्हाट एवर सर्विस ही प्रोवाइडिंग थ्रू रेस्टोरेंट, तो ऐसे केस में ईसीओ पे करेगा, फिर वो रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या लायबल टू रजिस्टर्ड हो और नॉट। लेकिन आप ऐसी यहां पे होटल में हो जिसका रेंट 7500 से ज्यादा है, यानी रेंट 7500 मोर देन 7500, तो वो सिचुएशन में रेस्टोरेंट में जो भी सर्विस दी जा रही है उस रेस्टोरेंट पे सर्विस पे, ओके, 95 सेक्शन 95 इज नॉट अप्लीकेबल एंड ECO is liable, sorry, and restaurant is liable to pay tax. Okay, restaurant uska tax pay karega. Clear? Yes or no? Done? Chalo. Ye amendment hui hai. To ye this entry like rent cap, wo registered ho ya na ho, okay. टैक्स ईसीओ देगा, पर ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के प्लेस पे होगा तो रेस्टोरेंट देगा, वो सिचुएशन में ईसीओ उसका टीसीएस काटेगा, टीसीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जहां 95 नहीं वहां टीसीएस आ जाता है। चलिए, तो इस तरह से आरसीएम एंड ईसीओ की हमारी अमेंडमेंट्स यहां खत्म होती है। छोटी सी अमेंडमेंट हुई थी यहां पे, अब मेरा यहाँ पे ऐसा समझ लो आदत है कि मैं चीज़ें को थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ और मैं उसके बैकग्राउंड के साथ पढ़ाता हूँ, इसलिए हमें हो सकता है कि पूरे डिस्कशन में यहाँ सारी अमेंडमेंट्स कवर करने टाइम लग जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अमेंडमेंट्स बहुत कम है, ठीक है, डन। ये समझ में आया बेटा? अच्छे से समझ में आया?
अमेंडमेंट्स टोटल 4-5 घंटे में कवर हो जाएगी हमारी सारी, जो भी कनेक्टेड है बताओ। अच्छे से समझ में आया? और अगर इन बिटवीन पावर जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ बारिश हो रही है तो हो सकता है, तो मैं फिर से रिकनेक्ट हो जाऊँगा। अगर नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि अगर कुछ रीज़न की वजह से इन बिटवीन लेक्चर बंद हुआ, तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा जो टेलीग्राम ग्रुप में आप कनेक्टेड हो, जो मैंने नोट्स शेयर किए सबको। डन? नेक्स्ट बेटा, हम अमेंडमेंट देखेंगे कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10। बहुत छोटी अमेंडमेंट हुई है इसके अंदर। अगर आपको सेक्शन 2 की कंडीशन याद होगी, सेक्शन 2 की कंडीशन है कि अगर किसी को कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो उसे ए अगर 10-2 की, मतलब देखो दो टाइप की कंपोजिशन लेवी है, 10-1 की और 10-2A की। 10-1 की कंपोजिशन लेवी आपको जो है 1.5 CR तक मिलती है, और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट अदर देन आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, ओके, तो 75 लाख। आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1.5 CR ही अप्लीकेबल है। नाउ ये जो मिलती है मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और ट्रेडर के लिए, साथ साथ में ये जो है मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस यानी 10% और 5 लाख्स और 5 लाख्स विच इज हायर, इतना सर्विस दे सकते हैं, पर टोटल 1.5 CR तक ही मिलेगा। 10-2A हर वो 10-2A की स्कीम जो है 50 लाख तक कंपोजिशन लेवी मिलती है, और जो यहाँ एलिजिबल नहीं है वो इधर एलिजिबल हो जाता है। प्रीडोमिनेंटली सप्लायर ऑफ सर्विस या ऐसे कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जिनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बहुत कम है, और सर्विस एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर्विस एलिमेंट ज़्यादा रहा तो यहाँ फंस जाते हो, तो इधर आप ले सकते हो अगर एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से नीचे है। लेकिन नाउ एक बात आपको बता दूँ, दोनों के लिए कुछ कंडीशन है, या 10-2 में कुछ कंडीशंस दी है अगर ये स्कीम लेनी है, और या 10-2A में ही कंडीशंस दी है कि अगर ये स्कीम लेनी है। दोनों की कंडीशंस लगभग सेम है, अगर हाँ लगभग सेम है, फर्स्ट छोड़ के जैसे इसने कहा है कि मार्जिनल लिमिट तक ही आप सर्विस दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, यानी यहाँ सर्विस के रिस्ट्रिक्शंस है, जो मार्जिनल लिमिट 10% और 5 लाख, जो मार्जिनल लिमिट है 10% और 5 लाख, उतना ही आप सर्विस दे सकते हो, ठीक है। और इसमें ये 10-2A में तो सवाल ही नहीं, वो कंडीशन ही नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि 10-2A में है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, ये तो कंडीशन यहाँ पे भी है नॉन टैक्सेबल सप्लाई का, कि आपने नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, तो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी है, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपको याद होगा तो कंडीशन ये है कि आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, और लास्ट CTP और NRTP नहीं होना चाहिए। अब नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर आप नहीं होते, नोटिफाइड गुड्स यानी कौन से गुड्स? तो नोटिफाइड गुड्स में पहले पुरानी लिस्ट थी आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, नेक्स्ट पान मसाला, नेक्स्ट एरिएटेड वाटर एंड ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सिट्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए
तो टोबैको टोबैको सब्स्टिट्यूट्स जो होंगे, तो ये अगर नोटिफाइड गुड्स होंगे तो वो केस में मैन्युफैक्चरर को ये स्कीम नहीं मिलेगी। हाँ, ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग को मिल जाएगी, पर मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगी। और कि ये चार आइटम्स थे। फिर अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट्स बस इतू सी हुई कि उन्होंने इसको बढ़ा दिया, चार आइटम के जगह और आइटम्स ऐड कर दिए, जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स और फॉसिल मिल, बिल्डिंग ब्रिक्स और ईथन और रूपिंग टाइल्स। मतलब ये चार कैटेगरी ऑफ आइटम्स उन्होंने ऐड कर दिए। सर, लर्न करना पड़ेगा क्या? बड़ी मुश्किल से तो ये याद हुए थे, अब ये तो और नए हैं, रीड कर लेना बेटा। बस ऐश वगैरह दिखा, मतलब फ्लाई ऐश राख, हाँ दूसरी ऐश नहीं, तो या ब्रिक्स या बिल्डिंग ब्रिक्स या यहाँ पे इथन या रूफिंग टाइल्स वगैरह होगी, तो ये उन्होंने ऐड कर दिया है। और इसके मैन्युफैक्चरर होंगे तो उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। भाई क्लियर हो गया हमें? ओके, उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ओके, तो पर एक बात बता दूं, ये जो चार आइटम थे, ओके पहले चार आइटम मतलब ओके यहाँ आइसक्रीम और एडिबल आइस, दूसरा एरिएटेड वाटर, तीसरा पान मसाला, और चौथा यहाँ पे टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट। ये चार आइटम 10-2A स्कीम के लिए भी थे, यानी सेम आइटम 10-2A के लिए भी थे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो आइटम ऐड किया उन्होंने यहाँ पे 5, 6, 7, 8, अभी जो आइटम्स ऐड किए यहाँ पे ऐश वगैरह और वो टाइल्स, ये 10-2A में नहीं है, ये 10-2A में नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने 10-2 में ही ऐड किया है, 10-2A में ऐड नहीं किया है। मतलब मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर कोई 10-2A की स्कीम ले रहा होगा और एग्रीगेट टर्न और 50 लाख से नीचे है, और वो 10-1 के स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हुआ होगा, और वो यहाँ पे फ्लाई ऐश या ब्रिक्स या बिल्डिंग ब्रिक्स या रूफिंग टाइल्स वगैरह का मैन्युफैक्चर होगा, और छोटा सा मैन्युफैक्चर होगा, उसकी सर्विसेज ज़्यादा होगी, तो वो 10-2A का फ़ायदा ले सकता है, लेकिन 10-1 का फ़ायदा नहीं ले सकता है। इसलिए वहाँ जगह होगी तो एक कमेंट डाल दो, आप जरूर यहाँ कमेंट डाल दो, दिस एडिशनल आइटम्स, दिस एडिशनल आइटम्स, दिस एडिशनल आइटम्स आर कवर्ड ओनली इन सेक्शन 10-2E, ओनली इन सेक्शन 10-2E। टेन टू ई एंड नॉट अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंड नॉट अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10-2A, नॉट अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10-2A। टेन टू ए दस दस मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज एटम्स दस मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज एटम्स मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज एटम्स हु फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10-2A, हु फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10-2A टेन टू ए इज एलिजिबल फॉर इज एलिजिबल फॉर इज एलिजिबल फॉर
कंपोजिशन लेवी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(2)A अंडर सेक्शन 10(2)A डन। अगर वो कमेंट वहां पे होगी तो ओके, अदरवाइज आपने लिख लिया होगा। ठीक, डन। तो कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड हमारी अमेंडमेंट्स यहां एंड होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स, एक रूल है 86A, कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। छोटी सी अमेंडमेंट, मतलब इसमें ऑथोरिटी दी गई, बाकी तो कुछ नहीं। अगर आपको याद होगा तो 86A और 86B आपने मेरे पास क्लास किया होगा, तो मैंने ITC चैप्टर में दिया है आखिरी में, रिस्ट्रिक्शन ऑन ITC। 86B वाला तो आपको 99% वाला रिस्ट्रिक्शन याद हो गई कि आप 1% आपको कैश लेजर्स के थ्रू देना पड़ता है और आप यहाँ पे 99% क्रेडिट तो यूज कर ही सकते हो। 86A जो है ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स या डमी ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए लाया गया और आपके क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। और 86A में अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो तो फर्स्ट लाइन ये कहता है कि कमिश्नर के पास ये पावर है या कमिश्नर कोई ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की हैव रीजन टू बिलीव दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इन एलिजिबल इन एज मच एज। मतलब क्या, कमिश्नर को ऐसा लगता है उसके पास रीजन है ये बिलीव करने के लिए, या वो अपने सबॉर्डिनेट ऑथोरिटी को भी ऑथोरिटी दे सकता है, पर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, कि वो ITC लेजर को रोक दे, यानी उसका ITC यूटिलाइजेशन ब्लॉक कर दे अगर फ्रॉड के वजह से या इन एलिजिबिलिटी की वजह से ITC लिए हो गया। उन्होंने सिचुएशंस भी बताई जहां आपका ई क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो सकता है, कौन कौन से केस में ई क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो सकता है, कि भाई यहां पे ओके क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। मतलब जिस जो सप्लायर ने आपको इनवॉइसेस दिए वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है या कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा है जहां उसकी रजिस्टर्ड प्लेस है। बिना गुड्स और सर्विस रिसीव होते हुए आपने क्रेडिट ली, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन है कि गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड फॉर अवेलिंग द ITC। ओके, आपके जो टैक्स आपको चार्ज किया आपके सप्लायर ने, उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो आपके क्रेडिट ब्लॉक हो सकते हैं। जो पर्सन क्रेडिट अवेल कर रहा है वही एग्जिस्टेंस में नहीं, वही फ्रॉडुलेंट है, वही डमी है और आपके पोजीशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओके, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे ऑफिसर इन राइटिंग, मतलब फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ओके, तो सी व्हाट हैपेंड कि मोस्ट ऑफ द मतलब इन दिस फोर सिचुएशन, इफ ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट यू हैव टेकन द ITC फ्रॉडुलेंटली और यू हैव टेकन दैट ITC विच इज इन एलिजिबल, देन इन दैट सिचुएशन, आई रिपीट, इन दैट सिचुएशन बाय राइटिंग द रीजन ही विल block your electronic credit ledger. That means we will not allow the debit amount equivalent to such credit in electronic credit ledger to discharge his liability. Simple way, block your electronic credit ledger. Thereafter,
कमिश्नर विल अलाउ सच डेबिट इफ सच कंडीशंस इज नॉट एग्जिस्ट एंड एक्सेट्रा. सर व्हाट इज द अमेंडमेंट? ओके, इन दिस एरिया द अमेंडमेंट इज रूल 86A में द ऑथोरिटी ऑफ द कमिश्नर, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर इज अ प्रॉपर ऑफिसर. दिस इज द अमेंडमेंट बेटा. ओके, इज द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग रूल 86A. द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर में ऑथराइज एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर टू प्रॉपर ऑफिसर टू एक्सरसाइज दिस ऑफिस टू ब्लॉक द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉनेटरी लिमिट दे हैव गिवन द पावर्स. इफ इन एलिजिबल ITC और फ्रॉडलेंट ITC नॉट एक्सीडिंग 1 CR, आई रिपीट नॉट एक्सीडिंग 1 CR, देन दिस पावर विल बी एक्सरसाइज बाय डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर. इफ दिस अमाउंट इज इन बिटवीन 1 to 5 CR, देन एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, एंड अबव 5 CR देन प्रिंसिपल कमिश्नर. आई रिपीट अबव 5 CR देन प्रिंसिपल कमिश्नर. सो योर क्वेश्चन माइट बी हियर, सर शुड वी हैव टू रिमेंबर दिस लिमिट? यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस लिमिट. दिस इज द अमेंडमेंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओके मॉनेटरी लिमिट दे हैव गिवन दिस पावर. नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, नीचे क्या लिखा है. एडिशनल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर असाइन टू कमिश्नर अंडर रूल 86A. द मॉनेटरी लिमिट फॉर ऑथराइजेशन ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर ऑफ रूल 86A ऑफ द ऑफिसर टू द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर और अबो ऑफ DGGI बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल. इन शॉर्ट दिस पावर कैन बी अलोकेटेड बाय डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ओके दैट इज DGGI, टू अनादर डायरेक्टर विच शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर. इफ यू सी द हिरार्की ऑफ द ऑफिसर देन इन दैट हिरार्की, द फर्स्ट चैप्टर हिरार्की ऑफ द ऑफिसर, देन इन दैट हिरार्की आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि प्रिंसिपल कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर, कमिश्नर और डायरेक्टर, द बोथ द पोस्ट आर सेम. इंस्टेड ऑफ कमिश्नर यूज द वर्ड डायरेक्टर. ओके, एंड एडिशनल डायरेक्टर, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर, ओके यूज दिस डायरेक्टर वर्ड आई हैव गिवन ओके इन दैट हिरार्की, एंड सेम पावर दे कैन एक्सरसाइज. वो भी सेम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं और वो भी ओके नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ये ऑथोरिटी दे सकते हैं. चलिए, कुछ इसमें खास डिस्कस करने लायक नहीं है. ओके, वॉट एवर अ स्मॉल अमेंडमेंट रिगार्डिंग टू डिलीगेशन ऑफ पावर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर. ओके, डन. चलिए, तो यहां पे हमारी जो अमेंडमेंट्स थी, ये अमेंडमेंट्स हमने खत्म की रिगार्डिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स. ओके बेटा, चलो. अब आते हैं नेक्स्ट, TDS एंड TCS. ध्यान से देखिएगा, TDS एंड TCS. TDS और TCS में क्लैरिफिकेशन आया है और ये क्लैरिफिकेशन स्पेशली रेस्टोरेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इससे रिलेटेड आया है. चलिए, मैं एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझाता हूँ. एक एक क्लैरिफिकेशन, ये CBIC का बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपने स्टार कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसके ऊपर सवाल आ सकता है ये क्लैरिफिकेशन पे. चलो देखो, समझ लो पहले क्या होता था, व्हाट वाज द ओल्ड प्रोविजन. अगर ये रेस्टोरेंट है या इटिंग जॉइंट या मेस वॉट और इट में भी ये रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट स्विगी के थ्रू कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, तो स्विगी जो था, ये जो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस, इसका सिर्फ TCS काटता था. स्विगी
सेक्शन 52 के तहत ओनली डिडक्टिंग टीसीएस, टीसीएस डिडक्ट कर रहा है। यहां पे टीसीएस की प्रोविजन सेक्शन 52 में थी, टीसीएस डिडक्ट कर रहा था। तो इसमें हु इज लायबल टू पे जीएसटी, पहला सवाल, हु इज लायबल टू पे जीएसटी एज पर ओल्ड प्रोविजन। तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी, रेस्टोरेंट, आई रिपीट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट वाले को जीएसटी की लायबिलिटी थी, असेस करनी पड़ती थी, ठीक है। रेस्टोरेंट वाला जीएसटी पे करता था, इनवॉइस कौन देगा, यहां पे इनवॉइस कौन देगा, तो इनवॉइस भी रेस्टोरेंट ही देगा, बिल भी रेस्टोरेंट वाला बनाएगा। सिर्फ जो ईसीओ के थ्रू जा रहा है वो सिर्फ टीसीएस कट करेगा, और टीसीएस कट करके जो रेस्टोरेंट वाला अगर रजिस्टर्ड है तो वो सिचुएशन में उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, आई रिपीट, ये तो बहुत सिंपल है, ये नहीं पता तो फिर तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टीडीएस और टीसीएस जमा हो जाता है, ओके, आपका टीडीएस या फिर टीसीएस ये जमा हो जाता है। तो पहले प्रोविजन टीसीएस की प्रोविजन थी, और टीसीएस कट किया जाता था, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दिया जाता था। सप्लायर भी वही, असेसमेंट भी वही करेगा, जीएसटी भी वही देगा गवर्नमेंट को, ओके। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये जो है जीएसटी देता था, जो भी उसकी बिलिंग होती थी, और जो टीसीएस कट हुआ है वो कैश लेजर के थ्रू यूज करता था, ओके, फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो इस तरह से, और इसका भी इनवॉइस कस्टमर तक जाता था जो ऑर्डर स्विगी के थ्रू ली थी, तो इनवॉइस देने की जिम्मेदारी इसकी थी। लेकिन अभी अभी मैंने आपको एक अमेंडमेंट पढ़ाई थी, और वो अमेंडमेंट मैंने ये पढ़ाई थी कि 9.5 के तहत, आई रिपीट, 9.5 में अब एक और सर्विस नोटिफाई कर दी है, और वो है रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में नहीं है, अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उसका टैक्स ईसीओ पे करेगा, फिर वो रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, ईसीओ पे करेगा। मतलब क्या, जनरली अब ऐसा हो गया है कि अब टीसीएस नहीं काटेगा स्विगी वाला, अब ये टैक्स जो है, यहाँ सिनारियो ही बदल गया, ये सब चीजें बदल गई। अब जो है रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, यहां पे 100% टैक्स लायबिलिटी ईसीओ पे डाल दी गई है, 100% टैक्स लायबिलिटी ईसीओ पे डाल दी गई है। वो सप्लाई जो ईसीओ के थ्रू हुआ, जीएसटी भी वही देंगे, और यहां पे हम कुछ क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें इनवॉइस भी ईसीओ देंगे, यानी जो भी सप्लाई ईसीओ के थ्रू हुआ उसका असेसमेंट सिर्फ रेस्टोरेंट वाला जीएसटी R1 में बताएगा, ईसीओ सप्लाई 9.5 ईसीओ सप्लाई पूरा टैक्स ही देगा। सो इससे रिलेटेड कुछ अब क्लैरिफिकेशन आए हैं, और ये क्लैरिफिकेशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये क्लैरिफिकेशन यहां पे। डन, वो क्या कहते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, वुड ईसीओ हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस इन कंप्लायंस विद सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन केस ऑफ रेस्टोरेंट। हम पहले ही कह चुके हैं रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो नहीं, अब टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% लायबिलिटी इज ऑन ईसीओ। नो, as the issue is now liable to pay GST on restaurant services from 1st of January 2022, they will not be required to collect TCS and file GST R8 on the restaurant service for which it pays GST under section 9.5. On other goods or services supplied through ECO, which are not notified under 9.5, ECO will continue to pay TCS in terms of 52. मतलब क्या? अब restaurant service cover कर ली गई है, रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा बाकी को सप्लाई ईसीओ के थ्रू होगा तो उसमें टीसीएस काटा जाएगा, लेकिन अब रेस्टोरेंट के लिए कोई टीसीएस नहीं काटा जाएगा। वेरी गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ईसीओ हैव टू मैंडेटरीली टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9.5 थ्रू देम इवन दो दे आर रजिस्टर्ड टू पे जीएसटी ऑन सर्विस ऑन देयर ओन अकाउंट। नहीं बेटा, ईसीओ के रजिस्ट्रेशन ऐसे अलग नहीं होते। इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन आपको स्पेसिफाई कर देना है कि आप ईसीओ भी हो,
हाँ आईएसडी होता है, तो आईएसडी का ही रजिस्ट्रेशन आपको सेपरेट लेना पड़ता है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ईसीओ को, अगर ये रेस्टोरेंट के लिए, अब रेस्टोरेंट की लायबिलिटी उनके ऊपर आ गई ईसीओ की, वो ऑलरेडी पहले से ईसीओ थे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे समझिएगा। हाँ मतलब आपको हर सर्विस के लिए सर आईएसडी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, और आपने एज ए ईसीओ सेपरेट, और ऑलरेडी एज ए ईसीओ ऑलरेडी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब था कि ऑलरेडी ईसीओ का रजिस्ट्रेशन आपने सेपरेटली लेके रखा हुआ है, तो अब एक नई सर्विस उसमें ऐड होगी रेस्टोरेंट, तो क्या आपको और फिर से नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन एज ए ईसीओ है, ठीक है, पहले से आप सेक्शन 52 के तहत टीसीएस काट रहे थे, अब ये एक्टिविटी 95 में आ गई। अगर ये एक्टिविटी 95 में आ गई और ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन एज ए ईसीओ है, तो वो केस में आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन फिर से लेने की जरूरत नहीं है। अब आप उसी रजिस्ट्रेशन के तहत 95 की लायबिलिटी कंप्लाई कर सकते हो, 95 की लायबिलिटी कंप्लाई कर सकते हो, डन। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं, वुड द ईसीओ बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, वुड द ईसीओ बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। भाई मैं पहले ही कह चुका हूं, रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, ध्यान से सुनना, रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, अब एंटायर लाइबिलिटी इज ऑन इश्यू। अगर कोई चाय की टपरी है, छोटा सा समोसे वाला है, वड़ा पाव वाला है, वो भी अगर इश्यू के थ्रू बेच रहा है, तो उसका 9(5) के तहत जिम्मेदारी इश्यू की है। गवर्नमेंट ने बहुत कमा लिया अभी, यानी अब ऐसा हो कि कोई भी चीज़ आप इश्यू के थ्रू बेचो, ईटिंग जॉइंट्स हो या फिर रेस्टोरेंट हो, स्पेशली फूड और ब्यूरेजेस, तो वो केस में यहाँ पे गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा। एक चाय भी अगर आपने ईसीओ के थ्रू बेची तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इन दैट सिचुएशन यहां पे इफ रेस्टोरेंट इज अनरजिस्टर्ड और नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड, देन इवन दो इन दैट सिचुएशन वॉट एवर द सर्विस यू प्रोवाइड थ्रू ईसीओ, ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स। नाउ नेक्स्ट, आर द रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। सो वॉट एवर द रेस्टोरेंट सर्विस, वॉट एवर द रेस्टोरेंट प्रोवाइड सर्विसेस थ्रू ईसीओ, वॉट एवर द एक्टिविटी डन बाय द रेस्टोरेंट, वेदर दैट टर्नओवर ऑफ दैट एक्टिविटी वुड बी कंसिडर्ड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट। इन सिंपल वर्ड, जस्ट आई वॉन्ट टू से कि अगर ये रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट वाला वॉट एवर सप्लाई कर रहा है, वॉट एवर ही सप्लाइंग थ्रू स्विगी, तो ये जो सप्लाई समझ लो 10 लाख का उसने किया थ्रू स्विगी, और अपना ओन सप्लाई किया, ओन सप्लाई किया यहां पे 10 लाख, तो जहां तक है जो स्विगी के थ्रू सप्लाई किया है, जो अब 9(5) के अंडर में है, ओके इट इज कवर्ड अंडर 9(5), देन इन दैट सिचुएशन ये 10 लाख का टर्नओवर किसका माना जाएगा? तो मैंने रेगुलर क्लास में भी पढ़ाया था और अभी पढ़ाता हूं कि लायबिलिटी रिवर चार्ज में हो, मतलब वेदर योर लायबिलिटी अंडर रिवर चार्ज और वेदर इट इज अंडर 9(5), और हु एवर इज पेइंग द टैक्स दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु हैज डन द आउटवर्ड सप्लाई, यहां आउटवर्ड सप्लाई किसने किया? रेस्टोरेंट वाले ने, देन इट इज द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट एग्रीगेट टर्न ओवर मतलब एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ रेस्टोरेंट इज 20 लैक्स एंड नॉट ओनली 10 लैक्स इट्स ओन टर्न ओवर। नो, एग्रीगेट टर्न ओवर ओके वुड बी कवर्ड इन द टर्न ओवर ऑफ द रेस्टोरेंट एंड नॉट ऑफ द स्विगी। सो वन थिंग यू मस्ट क्लियर इन माइंड, वेदर अंडर लायबिलिटी इज अंडर रिवर चार्ज और 9(5) और वॉट एवर इट मे बी, ओके इट हैज नो कंसर्न विद द टर्न ओवर। ओके, टर्न ओवर योर सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ दैट पर्सन हु एक्चुअली मेकिंग द आउटवर्ड सप्लाई, हु एक्चुअली मेकिंग द आउटवर्ड सप्लाई।
ठीक है। नाउ तो ऐसे केस में यहां पे सी, ऐसे केस में वो एग्रीगेट टर्नओवर जो लिया जाएगा इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल वैल्यू ऑफ ओके, वो रेस्टोरेंट के इसमें ही इंक्लूड किया जाएगा। इट इज इट विल बी इंक्लूडेड इन द ओके व्हाट आर यू सप्लाइज। और एक बात मैं आपको क्लियरली कह दूं यहां पे, और वो क्या, वो ये कहना चाहता हूं कि अब वो छोटी सी टपरी वाला, छोटा सा रेस्टोरेंट वाला रजिस्ट्रेशन ले या ना ले। पहले क्या होता था, पहले बेचारों को TCS के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये स्विगी वाले, ये जो स्विगी और जोमेटो, जब तक आपका रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो आपका बिजनेस ही रजिस्टर नहीं करवाते थे उनके प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब थोड़ा इनको रिलैक्सेशन मिल गया कि अब लायबिलिटी टोटली यहाँ पे ईसीओ पे डाल दिए, सो दैट छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले अब GST में रजिस्टर्ड हो या ना हो, और कि उससे कोई लेना देना नहीं, जो भी सप्लाई ईसीओ के थ्रू होगा तो लायबिलिटी ईसीओ पे ही आएगी। नाउ नेक्स्ट, कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ईसीओ बी रिकॉर्डेड एज अ इनवर्ड सप्लाई ऑफ ईसीओ इन GST R3B? नो, ईसीओ का वो इनवर्ड सप्लाई है ही नहीं, वो तो हम कस्टम, ईसीओ जस्ट अ मीडिएटर, ओके, इट्स नॉट अ इनवर्ड सप्लाई ऑफ ईसीओ। क्योंकि अब इनवर्ड सप्लाई बोल दिया तो फिर तो क्रेडिट भी मिल जाएगा। नो नो यार, इट्स नॉट अ इनवर्ड सप्लाई ऑफ ईसीओ, इट जस्ट दे आर एक्टिंग एज अ मेडिएटर, ओके, सो इन सॉरी दे आर एक्टिंग एज अ मेडिएटर, ओके, सो ऐसे केस में ओके यहाँ पे ईसीओ इज नॉट द रिसिपियंट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ही इज नॉट ट्रीटेड, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ इनवर्ड सप्लाई। नेक्स्ट, वुड ईसीओ बी लायबल टू रिवर्स प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इट्स इनपुट्स गुड्स और सर्विस फॉर रीजन दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एडमिसिबल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस? नो, ओके, सी दे जस्ट एक्ट एज अ मेडिएटर, मेडिएटर। तो ऐसे केस में ईसीओ प्रोवाइड देयर ओन सेट ऑफ सर्विस बाय एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी सर्विस। ईसीओ चार्ज कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस एंड फॉर दिस ईसीओ रिक्वायर्ड टू इनपुट सर्विस ऑन विच दे कैन क्लेम ITC। ईसीओ कैन यूज दिस ITC टू पे GST ऑन देयर कमीशन सर्विस। दिस सिचुएशन विल रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स, दस ईसीओ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सिंग एनी ITC। सी, वॉट एवर रेस्टोरेंट सर्विस ही इज प्रोवाइडिंग टू कस्टमर ईसीओ, फॉर दैट दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ मेडिएटर, दैट इज नॉट एन इनपुट सर्विस, वो उनकी इनपुट सर्विस नहीं है, तो क्रेडिट रिवर्स करने का सवाल नहीं आता है और किसी और का भी क्रेडिट रिवर्स करने का सवाल नहीं आता है। नेक्स्ट, कैन ईसीओ यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ? नो, ओके, वो क्रेडिट कैसे यूज कर सकता है, वो उसका इनवर्ड सप्लाई नहीं है तो वो कैसे पे कर सकता है? नो, टैक्स लाइबिलिटी शैल बी पेड ओनली इन कैश। और मैं आपको एक बात कह दूं, ईसीओ की लाइबिलिटी TCS की हो या 9(5) की हो, जो भी लाइबिलिटी 9(5) की, वॉट एवर द लाइबिलिटी ऑफ सेक्शन 9(5) और TCS, बोथ लाइबिलिटीज ऑलवेज पेड थ्रू कैश। ईसीओ कैनॉट यूटिलाइज देयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स बिकॉज क्रेडिट बैलेंस इज अवेलेबल ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स एंड दिस इज नॉट एन आउटपुट टैक्स, दिस इज अ टैक्स, आई कैन से दिस इज अ मेडिएटर टैक्स, ओके, लायबिलिटी ऑफ समवंस अनादर्स कंप्लाइड बाय ईसीओ, किसी और की लायबिलिटी जो ईसीओ कंप्लाई कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ये जो 9(5) का टैक्स पे करना है, इसके लिए कोई भी ITC यूज नहीं हो सकता, ये पूरा कैश में देना पड़ता है 9(5) का। डन, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट बेटा, वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ बी टैक्स एट 5% विदाउट ITC? नहीं, अभी तो ऑन सप्लाईज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, देखो, वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस शुड बी 5%? नहीं, वो सिर्फ 5% रेस्टोरेंट कैटरिंग को है, अदर को नहीं है।
ऑन सप्लाइज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ कैन कंटिन्यू टू कलेक्ट एंड पे द जीएसटी इन सेम एज इट वॉज डन बिफोर. ऑल्सो फॉर सप्लायर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 9(5) लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सप्लायर एंड ईसीओ शैल कंटिन्यू टू डिडक्ट टीसीएस. अदर देन रेस्टोरेंट सी नाउ फॉर रेस्टोरेंट सर्विस अ टैक्स रेट 5%. ठीक है. सी नाउ फॉर रेस्टोरेंट सर्विस व्हाट इज द जीएसटी रेट 5%. एंड नाउ हु इज लायबल टू पे जीएसटी तो ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी. सो एंटायर 5% जीएसटी इज पेएबल बाय ईसीओ. पॉइंट नंबर टू इफ एनी अदर सप्लाई अदर एनी अदर सप्लाई देन रेस्टोरेंट देन ईसीओ विल डिडक्ट टीसीएस एज व्हाट एवर द प्रोसीजर. ओके व्हाट एवर द प्रोसीजर दे विल कंटिन्यू. तो ऐसे केस में ये सिर्फ रेस्टोरेंट को लागू होगा, बाकी तो वो अपना टीसीएस ही काटेंगे जो अप्लीकेबल है. नेक्स्ट वुड रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस सोल्ड बाय रेस्टोरेंट टू कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर बी बिल्ड डिफरेंटली. हु शैल बी लायबल फॉर रेजिंग इनवॉइसेस इन सच केस. समझ लो रेस्टोरेंट के साथ साथ कोई अदर गुड्स और सर्विस है जो रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं है, जो रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं है और वो रेस्टोरेंट वाला बेच रहा है, जो रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं है अदर गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है. तो ऐसे केस में इट इज एडवाइजेबल दैट रेस्टोरेंट वाला हुअर इज द रेस्टोरेंट वाला ही शुड मेक अ सेपरेट इनवॉइस बिकॉज वन इनवॉइस इज अंडर सेक्शन 9(5) एंड अनदर इनवॉइस अंडर टीसीएस सेक्शन 52 प्रोविजन. सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट ही शुड इश्यू द सेपरेट इनवॉइस for 9(5) activity that is restaurant ECO is liable to pay tax and for other goods or services a supplier is liable to pay tax and ECO will deduct only TCS. ठीक है. मतलब एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि अगर रेस्टोरेंट वाला है और दिस रेस्टोरेंट यहां पे गुड्स और ब्यूरेजेस दे रहा है और अदर गुड्स दे रहा है नॉट कवर्ड इन रेस्टोरेंट और यहां पे ये ईसीओ के थ्रू दे रहा है, बोथ आर थ्रू ईसीओ. इट इज बेटर टू पे बेटर टू रेज टू इनवॉइसेस I1 and I2. ठीक है. मेक अ सेपरेट इनवॉइस. ठीक है. फॉर दैट कस्टमर को ये इनवॉइस देगा तो फॉर दिस एक्टिविटी 9(5) इज अप्लीकेबल एंड 100% टैक्स बाय ईसीओ. 100% टैक्स बाय ईसीओ, पूरा टैक्स ईसीओ देगा. बट फॉर अदर गुड्स टैक्स इज पेएबल बाय सप्लायर. टैक्स इज पेएबल बाय सप्लायर. ओके बाय सप्लायर. सेकेंड मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इनवॉइस भी सप्लायर देगा. तो अदर गुड्स का इनवॉइस भी सप्लायर देगा कस्टमर को, टैक्स भी वही देगा. हाँ, पर फर्स्ट केस में कस्टमर को इनवॉइस यहाँ पे ईसीओ देगा. ओके, फॉर कस्टमर को इनवॉइस ईसीओ देगा और 9(5) में टैक्स वो देगा. ओके, 9(5) में टैक्स वो देगा. तो ख्याल रहे, वो देखो क्या कहते हैं. सप्लाइज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ the liability to raise invoice continue with the supplier. If it is not a restaurant service, then liability to raise the invoice is of supplier. ECO will only liable to collect TCS. हाँ, for second invoice, अगर invoice I2 है, तो I2 का only TCS कटेगा. Okay, ECO will deduct the TCS only. ये समझ में आया? Okay, तो TCS काटा जाएगा. तो यहां पे इट इज एडवाइजेबल दैट ईसीओ रेज सेपरेट बिल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इन सच केस वेयर एज ईसीओ प्रोवाइड अदर सप्लाइज टू कस्टमर अंडर सेम ऑर्डर. यानी इन सिंपल वर्ड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक अ सेपरेट इनवॉइस और बिल. नाउ नेक्स्ट बेटा, हु विल इश्यू अ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ whether by restaurant or by ECO, obviously issued by ECO. Under section 9(5),
ओके, इनवॉइस टू कस्टमर विल बी इशूड बाय इश्यू। नाउ 11, क्लैरिफिकेशन में भी इशूड विद रिगार्ड टू रेस्टोरेंट सर्विस वैल्यू एंड एक्सेट्रा, टैक्स लाइबिलिटी एक्सेट्रा। ओके, ये पॉइंट समझ लेना। द इश्यू कैन कंटिन्यू टू पे जीएसटी अपलोडिंग द डिटेल्स ऑफ जीएसटी आर 3B बाई शोइंग देम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीएसटी आर 1, दे कैन रिपोर्ट द रेस्टोरेंट सर्विस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी प्रोसीजर तो उन्होंने सेम फॉलो करनी चाहिए, दैट्स ओके। सो ऑल दिस क्लैरिफिकेशन वी हैव सीन अंडर टीडीएस टीसीएस। ओके, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, रीड इट केयरफुली। आई हैव एक्सप्लेन ऑल द प्रोविजन, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस प्रोविजन, यस और नो? तो हमने कंप्लीट किया रिगार्डिंग टू टीडीएस एंड टीसीएस ये चैप्टर को। यस बेटा, समझ में आ रहा है आपको? सभी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, जो भी बच्चे कनेक्टेड है बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड ऋषिकेश। यस बेटा, पहले क्या होता था कि स्विगी हो, जोमेटो हो या जो भी ईसीओ है, वो उनको ही अपने पोर्टल पे लिस्ट करते थे जो रजिस्टर्ड है। इसलिए जो अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट वाले थे उनके लिए परेशानी थी, पर अब तो लाइबिलिटी ईसीओ पे है, तो अब जो अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट वाले छोटे छोटे लोग हैं वो भी ईसीओ का मजा ले सकते हैं। अब उनको पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। वेरी गुड। अरे भाई, अमेंडमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सब सो तो नहीं गए? यस, चलिए दोस्तों, तो अब हम अमेंडमेंट्स देखेंगे रिगार्डिंग टू चैप्टर आईटीसी। बहुत छोटी सी एक अमेंडमेंट हुई है, पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पे। देखो बेटा, सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 में कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई थी कि जिसके बेस पर आप आईटीसी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे। और ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना जरूरी है, मतलब टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट आपके पोजीशन में होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए, जिसका एक एक्सेप्शन था बिल टू शिप टू। थर्ड कंडीशन थी आपके सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए, आपके सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए। फोर्थ, आपने रिटर्न भी फाइल कर देना चाहिए। तो ये कंडीशंस थी, और इन कंडीशंस पे जहां तक देखा जाए तो आपको आईटीसी अलाउड थे। अब उन्होंने एक कंडीशंस ऐड की है और वो है क्लॉज ए ए। क्लॉज ए ए ये कंडीशंस उन्होंने ऐड की है। चलिए, ये क्लॉज ए ए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करने के पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ। बैकग्राउंड हिस्ट्री ऐसी थी कि अगर कोई सप्लायर है और कोई रिसिपियंट है, सप्लायर और रिसिपियंट, पहले से था कि कॉमन पोर्टल पे यानी जीएसटीएन पोर्टल पे, यहाँ पे सप्लायर जो है, सप्लायर यहाँ अगर आपका इनवॉइस यहाँ रिपोर्ट कर देता है, और किस में रिपोर्ट करता है, जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करता है, और इसके जीएसटीआर 2A, आई रिपीट, इसके जीएसटीआर 2A में अपडेट हो जाता है, और अब जीएसटीआर 2B,
ओके, इसके GSTR 2A में अपडेट हो जाता है, अब GSTR 2B, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ रिसिपियंट उसका 100% ITC ले सकता है, लेकिन अगर सप्लायर के कोई नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस हो गए, नॉन रिपोर्टेड, अगर सप्लायर के कोई नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस हो गए, तो गवर्नमेंट ने नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस का रिस्ट्रिक्शन लगाया था। और नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस मतलब जो GSTR 1 में डिक्लेयर नहीं किए गए, और वो आपके GSTR 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो अभी हम 2B की बात करेंगे। तो यहाँ के केस में क्रेडिट अलाउड था ओनली 5% ऑफ, 5% ऑफ रिपोर्टेड ITC, यानी नॉन रिपोर्टेड का पूरा क्रेडिट अलाउड नहीं था, जो रिपोर्टेड ITC है उसका 5% ही क्रेडिट अलाउ था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये भी निकाल दिया, सिंपल वे में गवर्नमेंट ने ये भी निकाल दिया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई सुन लो, अब जो रिपोर्ट होगा और जो अपडेट आएगी, ओके, यानी GSTR 1 में वो रिपोर्ट करेगा और इधर ओके 2B में अपडेट आएगा, उसका ही आपको ITC दिया जाएगा। यानी ये 5% जो मिलने वाला था वो भी हटा दिया। Rule 36(4) जो इतना बड़ा हमने क्लैरिफिकेशन पढ़ा था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब रिमूव कर दिया और सिंपल बना दिया कि अब आपको ITC उसका ही मिलेगा जो रिपोर्ट होगा। और उसके बेस पे उन्होंने दो अमेंडमेंट किए। पहली अमेंडमेंट क्लॉज AA ऐड किया गया, और उसके नीचे अगर आप देखते हो तो दूसरी अमेंडमेंट Rule 36(4) में की। तो पहली अमेंडमेंट जो मैं आपको यहां बता दूं वो ये कि क्लॉज AA में कह दिया गया कि आज अगर ITC किसी को भी लेना हो, ध्यान सुनिएगा, आज अगर ITC किसी को भी लेना हो तो डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लायर। अब ये आउटवर्ड सप्लायर मतलब GSTR 1, यानी आपके सप्लायर ने GSTR 1 देना चाहिए, एंड एंड आपके सप्लायर ने तो GSTR 1 देना ही चाहिए, एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रिसिपियंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन अ मैनर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। मतलब क्या, मतलब अगर मैं रीड विथ रूल 36(4), नीचे 36(4) पढ़ा होगा, तो इट शुड बी अपडेटेड इन GSTR 2B, आपके GSTR 2A नहीं, हाँ 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो ही आपको उसका ITC दिया जाएगा। आई रिपीट, यानी अब उन्होंने वन ऑफ द कंडीशन क्लॉज AA ये डाल दिया है कि सप्लायर ने GSTR 1 में अपलोड कर देना चाहिए और आपके GSTR 2B में, आई रिपीट, GSTR 2B में जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो अब आपको ITC दिया जाएगा। यानी इन सिंपल वर्ड मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि वो जो 5% वाला क्लॉज था ITC उतना मिलेगा, वो सब हटा दिया है, अब जो दिखेगा वो मिलेगा और जो दिखेगा वो बिकेगा, सिंपल वर्ड में। और अकॉर्डिंगली Rule 36(4) भी उन्होंने अमेंड कर दिया, और Rule 36(4) ये कहा गया, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट डिटेल्स ऑफ विच रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर 37(1) अनलेस डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ GSTR 1 और यूजिंग IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो QRMP स्कीम में मैंने आपको पढ़ाया था। तो IFF में अगर सबमिट किया होगा या GSTR 1 में ओके सबमिट किया होगा तो आपको ITC मिल जाएगा। और दूसरा, डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर पर्सन इन GSTR 2B, स्पेशली अब उन्होंने 2B कह दिया। मैं आपको कह दूं GSTR 2A अब वो खत्म करने वाला है, फ्यूचर में GSTR 2A नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने ITC लेने का बेस डॉक्यूमेंट 2B बना दिया है, और 36(4) में तो क्लियर कह दिया है कि यहाँ पे 2B में अगर अपडेट होगा तो मिलेगा, 2B में अपडेट नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इसके रिलेटेड इशू क्रिएट हो रहे हैं,
ओके, क्योंकि बहुत सी बार 2B में आता नहीं है, या इधर ओके GSTR 2A में आ जाता है, 2B में नहीं दिखता है, 2B अपडेट नहीं हो पाता है, सर्वर की मिस्टेक है और हम क्रेडिट नहीं ले पाते, वो सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी एक तरफ। लॉ क्या कहता है? तो लॉ ये कहता है कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा, तो ही आपको क्रेडिट दिया जाएगा। अगर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर? यस और नो? चलिए ओके। तो ये एक अमेंडमेंट थी जो ITC से रिलेटेड थी, हमने यहां पे देखा। ओके, तो ITC की अमेंडमेंट्स हमारी यहां एंड होती है। यस बेटा, समझ में आया आपको? यस और नो बताओ, क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये चैप्टर में पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ये चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है? बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है। इस बार आप लकी हो, कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ईजी और छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है। समरी निकालूँ तो 7-8 पेजेस के अमेंडमेंट्स हैं। तो यहाँ पे चलिए बेटा, ये चैप्टर की अमेंडमेंट्स हम देखते हैं। जैसे आपको याद होगा तो सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड जो है वो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ऐसे 3 थ्रेशोल्ड्स हैं। इनांस थ्रेशोल्ड 40 लाख का आपको कुछ कंडीशंस पे ही है, और वो ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स को ही मिलता है। उसमें सर्विस सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट के अलावा बाकी कुछ भी, तू सी भी आपकी सर्विस नहीं होनी चाहिए। ओनली इंटरेस्ट एलिमेंट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। अदरवाइज आपको 40 लाख का थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, आपको 10 लाख या 20 लाख का ही थ्रेशोल्ड मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन है, और कुछ लोगों को थ्रेशोल्ड अलाउड नहीं है। कौन से लोगों को थ्रेशोल्ड अलाउड नहीं है? अगर आपका मतलब ये 40 लाख का थ्रेशोल्ड, स्पेशली 40 लाख का थ्रेशोल्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हो भाई, आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हो तो वो 10 लाख 20 लाख भी नहीं मिलता है, तो 40 लाख तो दूर की बात है। तो अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हो तो ये 40 लाख का थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, अब नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर में आइसक्रीम, पान मसाला या टोबैको, टोबैको और सब्सटीट्यूट्स, तो आपको 40 लाख का जो है थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ 10 लाख और 20 लाख का तो है, पर 40 लाख का नहीं मिलेगा। अगर आप नोटिफाइड स्टेट्स में हो तो 40 लाख का नहीं मिलेगा, और आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हो। तो सर अमेंडमेंट क्या हुई? बस ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट उन्होंने यहाँ पे ये जो लिस्ट है बढ़ा दी है। मतलब क्या? मतलब वो जो है ना, हमने कंपोजिशन लेवी में भी देखा था, सेम यहाँ पे लाया गया कि फ्लाई ऐश ब्रिक या फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट एक्सेट्रा, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ये उन्होंने ऐड कर दिया है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो गुड्स के सप्लायर है, आई रिपीट, यहाँ पे वर्ड है बेटा सप्लाईज, हाँ यहाँ पे वर्ड है सप्लाईज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन लेवी में मैन्युफैक्चरर को ही रिस्ट्रिक्शन है, तो ये यहाँ पे सारे सप्लायर को रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे सारे सप्लायर को रिस्ट्रिक्शन है। ठीक, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरर वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड है पर्सन, यानी इंडिया का कोई भी पर्सन इस टाइप के सप्लाई करता है तो उसको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। मतलब ये हुआ कि ये गुड्स से रिलेटेड आपको 10 लाख या 20 लाख की लिमिट अलाउड है। ओके, थ्रेशोल्ड, ओके, अगर बात करें हम थ्रेशोल्ड की, तो ये थ्रेशोल्ड में 10 और 20 लाख का थ्रेशोल्ड आपको अलाउड है। तो आपको क्या अलाउड नहीं है? तो आपको 40 लाख का थ्रेशोल्ड अलाउड नहीं होगा, इवन दो यू आर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। आई रिपीट, इवन दो यू आर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको 40 लाख का थ्रेशोल्ड अलाउड नहीं होगा। तो बस इतनी सी अमेंडमेंट्स ये यहां प्रोविजन में हुई है। क्लियर? यस और नो बोलिए। यस सर। चलो
अब आ जाइए बेटा रूल 10A के पास। रूल 10A फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। छोटी सी अमेंडमेंट है, कोई खास नहीं है कि आपको जो है अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया विदाउट बैंक अकाउंट डिटेल्स तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है लेकिन 45 डेज में, यानी विदिन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग सर्टिफिकेट यू हैव टू प्रोवाइड योर बैंक इन्फॉर्मेशन और बिफोर फाइलिंग फर्स्ट रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो वॉट एवर द अर्लियर डेट, मे बी 45 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न, तो उसके पहले आपने बैंक इन्फॉर्मेशन फर्निश कर देनी चाहिए। ये पुरानी इन्फॉर्मेशन, पुरानी प्रोविजन थी, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया और आपके पैन से कनेक्ट किया। ओके, ऑन व्हाट दे वांट टू से, दे वांट टू से द ओके 45 डेज और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज अर्लियर फर्निश इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट विच इज इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड ऑब्टेन अ परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। सी दैट मीन्स that then now they require that bank details which is in the name of registered person and that bank account should be attached with PAN, should be attached with PAN, matlab ab aapka bank account wahi accept kiya jayega jo PAN se connected hai, provided that in case of proprietors concern a permanent account number of the proprietor shall be taken, be linked with Aadhaar number of the proprietor. Okay, lo aur unhone additional कि भाई अगर प्रोप्राइटर होगा, इन केस ऑफ प्रोप्राइटर ओके पैन एंड पैन आल्सो लिंक विद आधार नंबर, पैन आल्सो लिंक विद आधार नंबर। तो ये जो है यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स लाई है, मतलब भाई अब सारी चीज़ें कनेक्ट होने वाली है, बैंक अकाउंट, पैन, आधार, योर जीएसटी नंबर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कहाँ जाओगे, घूम कर वापस यहीं आओगे। चलिए डन, नेक्स्ट 10B अदर ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये अदर ऑथेंटिकेशन क्या है, अगर आपको मेरा चार्ट याद होगा अदर ऑथेंटिकेशन का, चलो मैं देखता हूँ मेरे पास चार्ट है क्या पुरानी कोई फाइल ओपन करके, यहाँ पे मेरे पास जस्ट मिनट बेटा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर 2 मिनट है, हाँ मिल गया। ये जो बेटा आधार ऑथेंटिकेशन का एक चार्ट मैंने आपको नोट्स में दिया है, थोड़ा मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये आधार ऑथेंटिकेशन, दो मिनट में बता देता हूँ। देखिए, फेक इनवॉइस या डमी इन रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया। सो अंडर दैट दे हैव प्रिस्क्राइब वेरियस प्रोसीजर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इफ यू आर टेकिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो मैं लेता हूँ, इफ यू आर टेकिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल देन डू द आधार ऑथेंटिकेशन अकॉर्डिंगली, और अदर देन इंडिविजुअल देन इन केस ऑफ एचयू अपकर्ता कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और एनी ऑथराइज सिग्नेटरीज कैन डू देयर अदर ऑथेंटिकेशन। ओके, दिस प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। इफ यू डोंट डू अदर ऑथेंटिकेशन देन इन दैट सिचुएशन अ फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी डन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ऑल दिस प्रोविजन्स ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन। Some persons are excluded from authentication procedure. मतलब they don't have to do other authentication. Who are they? Okay, not citizen of India, or department of government, local authority, statutory body, public PSU, or person applying for registration under section 25(9). That means provision of UIN, unique identification number is applicable. These category of person not required to take other authentication. This okay, so already we have done this chart in our regular class. Amendment kahan hui, where is the amendment? Amendment is here.
इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो आप एक काम करना, अपने बुक में जाके ये वाला पार्ट स्क्रैच कर देना और यहाँ लिख देना ओके कि यहाँ 10B, अब 10B प्रिस्क्राइब किया गया है एंड नाउ लेट डिस्कस यहाँ पे रूल 10B ओके गिवन फॉर रूल 10B प्रोवाइड्स अदर ऑथेंटिकेशन इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, आई रिपीट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सो लेट डिस्कस अदर ऑथेंटिकेशन इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. See, what they want to say, the registered person other than person notified under subsection 6D of section 25, section 25 6D means those non-citizen of India who are not required to get registered under, who are not required to take other authentication. So, not citizen, government departments, statutory bodies, local bodies. So, a registered person other than those who has been issued a certificate of registration, जिनको registration certificate दे दिया है, undergo authentication. पहले क्या था कि इनके लिए authentic बोला गया था कि yes, you have to do other authentication, लेकिन procedure नहीं थी. Now अब procedure आ गई है और जो already registered है अब उनको भी other authentication के लिए जाना पड़ेगा. एक proprietary firm होगी तो proprietor को, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देन पार्टनर हैज टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, HUF देन कर्ता हैज टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, कंपनी देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल द मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ट्रस्ट ट्रस्टी और ऑथराइज सिग्नेचर. इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पर्पज एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन कॉलम 2 ऑफ टेबल बिलो, मतलब दिस वन ओके, यानी जो इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एनी पर्सन हु ऑलरेडी होल्डिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर दिस 3 पर्पजेस ओनली, नॉट फॉर ऑल, फॉर दिस 3 पर्पजेस ओनली हैज टू डू अदर ऑथेंटिकेशन. फर्स्ट, फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स इफ अ रजिस्ट्रेशन इज कैंसल and they want to revoke it, then they have to do other authentication, then and only then revocation is available. Second, for filing refund application form RFD 01 under rule 89, and third, for refund under rule 96 of IGST in case of export goods. That means any person who is holding registration certificate has to do other authentication for these 3 purposes. Now, which are these 3 purposes? Let's repeat with me. First, okay, yahan pe revocation of cancellation of registration, refund application of under 89 means that zero rated supply refund and etc. And IGST refund under rule 96 in case of export without bond, in case of export without bond. So, in these 3 cases, okay, he compulsorily has to do the other authentication, provided that if other number has not been assigned to the person required to undergo authentication of other number, such person shall furnish following identification document. Agar uske paas aadhar number nahi hai to usko aadhar ke liye apply karna padega, tab tak usko apna enrollment id slip dena padega aadhar ka ki usne apply kar diya hai, and bank passbook with photograph, voter identity card या passport या driving license, इसमें से कोई भी एक document उसको submit करना पड़ेगा, provided further that such person shall undergo authentication of other number within a period of 30 days of the allotment of other number. और जैसे उसका आधार number आ जाता है 30 दिन के अंदर, so within 30 days he has to do आधार authentication. So guys, okay, here it is not compulsory for all registered person to go under other authentication. Only for these 3 purposes they have to do other authentication. I hope you understood. Yes or no? So this is rule 10B. और एक amendment जो है
ये लास्ट इसमें भी अप्लीकेबल थी, आपके स्टैचुटरी अपडेट्स में कवर्ड है, इसलिए मैं भी इसको कवर्ड कर रहा हूँ। मतलब मैं जस्ट आपको बता दूंगा कि यहाँ पे रिवोकेशन का पावर की टाइम लिमिट उन्होंने एक्सटेंड की, जो यहाँ पे 30 डेज का टाइम था, कमिश्नर को और एडिशनल कमिश्नर को पावर दिया टू एक्सटेंड दैट पावर, ये लास्ट इसको भी अप्लीकेबल था और सेम कंटिन्यू किया गया। तो ये तो आप रीड कर सकते हो रिगार्डिंग टू एक्सटेंशन पावर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो इससे रिलेटेड सारी अमेंडमेंट्स हमारी यहाँ ख़त्म होती है। यस बेटा, आया अच्छे से समझ में? यस और नो बताओ। चल डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जम्पशन चैप्टर की अमेंडमेंट्स यहाँ देख लेते हैं, इसमें भी बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट, बहुत ही छोटी छोटी अमेंडमेंट्स एग्जम्पशन चैप्टर में। चल यहाँ बता देता हूँ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का चार्ट याद होगा, याद करो या फिर बुक ओपन करो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में यहाँ बाय एयर होगा, और बाय एयर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो गए तो वो केस में जीएसटी आता है, लेकिन अगर वो नोटिफाइड एरिया में हो गए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या बगदोगदरा, ओके, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो ये एरिया में हो गए तो वहाँ का एम्बार्केशन और टर्मिनेशन दोनों एग्जम किया जाएगा। नेक्स्ट, नॉन एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट टूरिज्म कंडक्टर और चार्टर और हायर होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज याद करो, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में एसी टैक्सेबल, नॉन एसी में दो पार्ट किया था, नॉन एसी में पहला पार्ट अगर कंडक्टर चार्टर के लिए होगा तो टैक्सेबल, अदर पर्पस के लिए होगा तो एग्जम। स्टेज कैरिज में भी एग्जम अदर देन एसी, लेकिन अब वो क्या कहते हैं देखो, हाउएवर नथिंग इन आइटम बी एंड सी शैल अप्लाई टू सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। वो कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो बी और सी है, आई रिपीट, जो बी और सी है, ये बी और सी का जो यहां अगर ये ईसीओ के थ्रू दिया है, जैसे हमने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को एग्जाम दिया है, नॉन एसी स्टेज कैरेज को भी एग्जाम दिया है, तो चार्ट में एक छोटी सी अमेंड कर देना कि नॉन एसी जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है या नॉन एसी स्टेज कैरेज है जहां हमने एग्जाम लिखा हुआ है, उसके नीचे एक नोट डाल देना कि अगर ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई होता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि भाई ईसीओ का स्कोप 95 का स्कोप बढ़ाया गया, मोटरसाइकिल, ओमनी बस या कोई भी मोटर व्हीकल के थ्रू होगा तो ईसीओ टैक्स पे करेगा, तो अगर ये ईसीओ के थ्रू होगा तो ये एग्जम्पशन उनको नहीं मिलेगा। आई रिपीट, ये एग्जम्पशन उनको नहीं मिलेगा, तो ही तो फायदा होगा, नहीं तो फिर तो एग्जम्पशन ही हो जाए। मतलब बसेस वाले एसी हो, नॉन एसी हो, कुछ भी हो, अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया गया तो उस पर जीएसटी आएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, यहां पे देखिएगा,
रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास, एसी क्लास, हमने ये देखा था एग्जम्पशन है। इसमें भी मेट्रो, मोनोरेल, इनलैंड वाटरवे, मीटर कैब एक्सेट्रा, इसमें भी, लेकिन इस यहाँ पे भी इन्होंने सेम प्रोविजन अमेंड की कि अगर क्लॉज ई में, ई में मतलब मीटर कैब या ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, अगर ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया गया तो उसका टैक्स ईसीओ देगा, उसका टैक्स ईसीओ देगा, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर वो मीटर कैब हो, ई रिक्शा हो या रिक्शा हो, बहुत सारे अभी देखा ओला के रिक्शा होते हैं, तो वो रिक्शा वाला टैक्स तो नहीं देगा, पर अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई होगा तो ईसीओ उसका टैक्स पे करेगा। ये एग्जम्पशन हमने देखा। नेक्स्ट देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। हाँ, अब वो इंडिया से इंडिया के बाहर अगर कोई भी गुड्स लेके जाते हो बाय एयर, मतलब एक्सपोर्ट गुड्स अगर बाय एयर जाते हो तो उसको एग्जम्पशन है। आपको याद आएगा मैंने चार्ट बना के दिया था आपको, मैंने कहा था बाहर से इंडिया में आ रहा है तो एयरक्राफ्ट, अगर आपको याद होगा वो चार्ट आपके सामने होगा, तो वहाँ पे जो है बाहर से इंडिया में वेसल टैक्सेबल है, एयरक्राफ्ट नहीं, विद इन इंडिया टैक्सेबल है, और इंडिया से इंडिया के बाहर अगर लेके जा रहा है तो एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है और 30 सितंबर 2022 तक ये एग्जम्पशन को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो वो करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में, अभी वो 30 सितंबर 2022 तक का एक्सटेंशन दे दिया है। सेम फॉर वेसल, अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया तो वहाँ पे भी उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है और 2022 कर दिया गया है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से रिलेटेड। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे एक एग्जम्पशन था, प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शंस ऑफ पंचायत ऑफ आर्टिकल 243G और म्यूनिसिपलिटी अंडर 243W। इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर सर्विसेज देता है उस फंक्शन से रिलेटेड जो पंचायत के फंक्शन है या म्यूनिसिपलिटी के फंक्शन है, और ये सर्विस गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, यूनियन टेरिटरी को देता है, लोकल अथॉरिटी को देता है, तो एग्जम्प्ट है। पहले ये एग्जम्पशन गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को भी था, आई रिपीट, पहले ही एग्जम्पशन गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को भी था, लेकिन अब उन्होंने ये विड्रॉ कर लिया है। अब अगर कोई इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर जो प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और ये दो फंक्शन के तहत दे रहा है और गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा होगा, तो अब वो टैक्सेबल है, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट, सर्विस टू गवर्नमेंट बाय ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ 243G(W). वही बेटा, इस एंट्री में भी उन्होंने यहाँ पे अगर कंपोजिट सप्लाई गुड्स और सर्विस का जिसमें गुड्स का कंटेंट 25% से ज़्यादा नहीं है, इसमें भी उन्होंने गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी ये निकाल दिया है, तो यहाँ पे आर्टिकल 243W के फंक्शन हो गए और वो कंपोजिट हो गए गुड्स और सर्विस में जिसमें गुड्स का कंटेंट 25% से ज़्यादा नहीं है और वो गवर्नमेंट को सर्विस दिया जा रहा है, तो ये एग्जम्पशन है, पर गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी ये वर्ड उन्होंने निकाल दिया है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट। पहले ऐसा था कि अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया, जैसे मैं अगर कोई जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट को दे रहा हूं, उसमें ऐसा था कि अगर खर्चा पूरा गवर्नमेंट करेगा तो ही एग्जाम, अगर खर्चा पूरा गवर्नमेंट करेगा तो ही एग्जाम, लेकिन अब उन्होंने यहां चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ओके, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर दिया जा रहा है, फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट। मतलब अब अगर ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए गवर्नमेंट में जहाँ 25% गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
और 75% या 75% से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस प्रोग्राम को अगर मैं ट्रेनिंग दूँ तो मेरे ट्रेनिंग को भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पहले पहले ऐसा था कि सारा खर्चा पहले ऐसा था कि सारा खर्चा यहाँ पे गवर्नमेंट ने करना चाहिए, पर अब ये वैसा नहीं रहा। अब बेटा आगे सारा गवर्नमेंट ने नहीं भी किया, गवर्नमेंट ने 75% किया और 25% यहाँ पे बाकी लोगों ने किया, तो भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहाँ एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। उसके बाद में कुछ एग्जम्पशंस नए ऐड हुए। सर्विस बाय ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट, वो होता है ना ट्रक पे नेशनल परमिट लिखा जाता है, तो सर्विस बाय ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज और टू ऑपरेट थ्रू आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कोई भी गुड्स कैरेज को पूरे इंडिया में ऑपरेट होने के लिए या कॉन्टिजियस स्टेट दो तीन स्टेट में ऑपरेट होने के लिए जो नेशनल परमिट दिया जाता है, उस नेशनल परमिट की जो फीस आएगी उस फीस पे जीएसटी नहीं आएगा, उस फीस पे जीएसटी नहीं आएगा। चलिए उसके बाद में लीजिंग ऑफ असेट टू इंडियन रेलवे, एक जो एग्जम्पशन था वो उन्होंने रिमूव कर दिया है। ओके, यानी यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडियन रेलवे को असेट खरीद कर लीज पे देती थी, तो पहले उस लीज अमाउंट पे एग्जम्पशन था, अब वो एग्जम्पशन नहीं रहा। तो इस तरह से बेटा हमने कुछ एग्जम्पशंस देखे यहाँ पे रिगार्डिंग टू, आई रिपीट, एग्जम्पशंस देखे, और वो एग्जम्पशंस रिगार्डिंग टू यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर थे, कुछ नए ऐड हुए, कुछ की डेट एक्सटेंड हुई, और ये चैप्टर हमने एग्जम्पशन एंड किया यहाँ पे। चलिए तो ये डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, यहाँ जो हमने इस पार्ट में आज का ये पार्ट 1, लिख ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 से 3.5 घंटे जो है हमारे सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। मैं थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज वो 2 घंटे की भी अमेंडमेंट्स नहीं है, तो हम पूरी अमेंडमेंट्स ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात आपको ये कह दूँ कि अभी ये जो सेशन था, इस पार्ट 1 के सेशन में हमने ये अभी तक की सारी अमेंडमेंट्स ख़त्म की। सेम टाइम कल हम पार्ट 2 का सेशन लेंगे, 1.5 घंटा, सुबह 8 बजे, आई रिपीट, सुबह 8 बजे 1.5 घंटा हम कल ये सेशन लेंगे पार्ट 2 का, जिसमें हम बची हुई अमेंडमेंट्स कंप्लीट करेंगे। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में यहाँ पे अभी और प्रोवाइड करूँगा, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए थ्रू योर मोबाइल, और वहाँ से पीडीएफ कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने के बाद आप कल की अमेंडमेंट्स भी देख सकते हो। तो आज की अमेंडमेंट्स आप कंप्लीट कर लो, कल सुबह वापस बची हुई अमेंडमेंट्स सुबह 8 बजे हम देखेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं। ये था लेक्चर 01 पार्ट 1। लेक्चर 01 पार्ट 2 जो है हम कल ही उसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो एक ही लेक्चर में हमारी सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी। जिन्होंने अभी रिसेंट बैचेस की है उनकी सारी अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर ली है। हाँ, जो भी कुछ अपडेट्स रहेगी, तो आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा आपके बैच का, तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में आपको, जैसे आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लगाई होगी, रेगुलर बैच, इनडेप्थ बैच लगाया होगा, तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में अकॉर्डिंगली अपडेट्स दे दी जाएगी। ठीक है, आपके और कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यस बेटा, आपके कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो। कल थोड़ा, वैसे मैंने स्टडी प्लान तो दिया है, पर थोड़ा बहुत कल मैं गाइड करूँगा आपको कि कैसे पढ़ना चाहिए और आपने आईडीटी सब्जेक्ट को किस तरह से लेना चाहिए, सो दैट मतलब किस तरह से आपके प्लानिंग करनी चाहिए सो दैट आप अबो 80 मार्क्स इसमें स्कोर कर सको। डन बेटा, यस और नो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
ये जो बेटा अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, इतनी अमेंडमेंट्स हो गए उसके अंदर चार्ट बुक में, जो अभी आप अमेंडमेंट्स कर रहे हो वही अमेंडमेंट सारी जगह हो गए। मैं आपको इतना कहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग रिवीजन लेक्चर्स है वो कर लो ना, आप देख रहे हो कि अमेंडमेंट्स तो कोई ज्यादा है नहीं, मैं अपडेट करके दूंगा, टाइम लगेगा उसको। बेटर वे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो अभी एग्जिस्टिंग है वो फटाफट रिवाइज कर लो, अमेंडमेंट कुछ भी ज्यादा नहीं, फटाफट रिवीजन चालू कर दो आप, और अमेंडमेंट साथ साथ में अमेंडमेंट वीडियो कर लो, बात खत्म। जहां जहां अमेंडमेंट्स हुई है चार्ट में वहां उतनी अमेंडमेंट्स कर लेना। यस, इंटरमीडिएट की भी अमेंडमेंट्स आएगी बेटा, पर 2-3 दिन रुक जाओ उसके लिए। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेजेस दिए हैं कि 74, 71, 62 मार्क्स मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। अच्छा लगा बेटा कि आपको यहाँ आप पास भी हुए, अच्छे मार्क्स भी मिले। चलिए, तो कल सुबह 8 बजे हमारा पार्ट 2 का सेशन यहाँ रहेगा। डन, ओके, मिलते हैं।